गंडिया की सरकार है, झूठिया की बोछार है, लेन देन न ककनी साहूकारी न सकनी, बेटी इनके नहीं रोटी इनके नहीं, तो इनकी दर्द का बेरे को नहीं रोटी बेटी के हो है। तो समस्या यही है कि हमने नपुसंग यानी घटिया और गंदे लोगों को राजनीति दे दी, उसके कारण हमने भुक्तभोगी होना पड़ रहा है। नहीं तो मामला दूर नहीं, और आपको पता है हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं, हमारे लिए दिल्ली तहसील है। जिस टाइम हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे तो सरकार के, आप लोगों को भी पता है, सरकार दिल्ली में बैठती है और दिल्ली का शासन बंद करना हमें आता है। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ, मैं सुशील सियाग। फिलहाल मैम चौबीसी चबूतरे से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आप में सब ने मालूम होगा 1-7 तारीख को जो दिल्ली जंतर मंतर पर महापंचायत रखी गई थी, वहां पर 15 दिन का एस्टिमेट दिया था सरकार को, 15 दिन में या तो इन खिलाड़ियों की मांग मान ली जाओ या इनका समाधान हो जाओ, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, तमाम खापे आ रही थी। और आज जो 21 मई को मैम चौबीसी के चौबीसी पर जो एक पंचायत है उसमें बड़ा फैसला होने जा रहा है, हमारे साथ में डॉक्टर सिक्की मौजूद है, उन तक पड़ताल करांगे आखिर क्या फैसला लिया जा सकता है, और अगर फैसला आज नहीं होता तो क्या रूप लेगा। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। जो ये एक बहुत तमाम देश की खापा की बात करा, मैन लीडर की बात करा, यहाँ पर आए हुए है, तो क्या फैसला रहने वाला है? नहीं, मैन उद्देश्य तो ये है कि हमने अपनी जो बेटियां हैं जो जंतर मंतर पर लगातार लगभग एक महीने से लड़ाई लड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि वो लड़ाई आर पार की हो। कल लड़ाई फसलों की थी, आज लड़ाई नस्लों की है, और अब बात हमारे मान सम्मान पे है, तो ये लड़ाई आर पार की होगी या तो सरकार समझ जाए, नहीं तो मामला दूर नहीं। और आपको पता है हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं, हमारे लिए दिल्ली तहसील है। जिस टाइम हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे तो सरकार के, आप लोगों को भी पता है, सरकार दिल्ली में बैठती है और दिल्ली का शासन बंद करना हमें आता है। आपने 7 तारीख को जो पंचायत की थी जंतर मंतर के ऊपर, उसमें अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का, आखिर अब तक कोई एक भी शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं मतलब सुनवाई? नहीं, ये रंडिया की सरकार है, झूठिया की बोछार है, लेन देन न ककनी साहूकारी न सकनी, बेटी इनके नहीं रोटी इनके नहीं, तो इनकी दर्द का बेरे को नहीं रोटी बेटी के हो है। तो समस्या यही है कि हमने नपुसंग यानी घटिया और गंदे लोगों को राजनीति दे दी, उसके कारण हमने भुक्तभोगी होना पड़ रहा है, हमने बेटी इन्हें बचानी पड़ रही है। ब्रजभूषण का 2-3 दिन पहले जो बयान आया है, 15-15 रुपए के मेडल है, वो तो कोई बात नहीं 15 रुपए के मेडल है, तो फिर तू सबने बैठ दे, क्यों प्रेस करवा रखे थे? क्यों देश का करोड़ों अरबों रुपए आप लगा रहे हो खिलाड़ियों पे? क्यों किसान मजदूरों का पूरे घर को हम खिलाड़ियों के ऊपर झोंक रहे हैं? ये बकवासबाजी कर रहे हैं। यदि 15 रुपए का मेडल आता है ना इसमें दम हो तो ये ले आवा, गणा नहीं तो देख रहा है ब्लॉक लेवल का, तो ले आवागा 15 रुपए का मेडल, बेरा पड़ेगा जब पसीना बावागा। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होने लग रही, क्या लगता है सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करने लगी? नहीं, सरकार तो आपने पता भी, सरकार के पास ना रोटी है ना बेटी है, वो असंवेदनशील है, उसको पता ही नहीं आखिर हो क्या रहा है। जो सरकार है, सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार इंसाफ नहीं करना चाहती, सरकार तो हर बात को दबाना चाहती है। तानाशाही सरकार है, अत्याचारी सरकार है, और यानी हमारे देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इसको सिर्फ आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। जी, आज यहाँ जो तमाम खापे है, जो फैसला यहाँ से जो लिया जाओगा, क्या लगता है उस फैसले से सरकार झुक पाओगी? नहीं, सरकार झुकेगी, हमने पहले भी झुकाया मोदी साहब को, तो ये कह रहे थे कि मोदी साहब तो झुके को नहीं, तो हमने मोदी साहब ने झुका लिया, सरकार के है, इनका कुछ लंबा चौड़ी सी बात को नहीं, जिस टाइम हम आवांगे नहीं, इनकी 2 घंटे में इलाज कर देंगे, अभी तो हमारी खापे हमें फैसला ही नहीं दे रही, हमें रास्ता ही नहीं दे रही। जिस दिन रास्ता देवेगी तो दिल्ली बंद, सारा सिस्टम कंट्रोल, दिल्ली कहाँ से चलती है? प्रजातंत्र से लोकतंत्र से, लोकतंत्र से ऊपर समाज, समाज और लोकतंत्र प्रजातंत्र से ऊपर मतलब राजनीति नहीं है। बहुत लंबा टाइम लग गया था, 13 महीने लग गए थे मोदी ने झुकाने में आपको, यहाँ कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 13 साल लग जाए, पर हम लड़ेंगे जी, बेटियों को इंसाफ दिला के उठेंगे जी। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ में डॉक्टर सिक्किम जी। फिलहाल मैन चौबीसी जो चबूतरा है उससे आप सीधी मुलाकात देखने लग रहे हो डॉक्टर सिक्किम से। आपने पूरी वीडियो देख ली, पूरी पड़ताल करी है हमने, छोटी ही एक है, तो आपका क्या मानना है, आपने क्या लगा, आपकी राय की है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में सहयोगी कैमरामैन के साथ, मैं सुशील सियाग, मैम चौबीसी, धन्यवाद।